नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह और बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। दिवाली पर माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा का महत्व है। धन की देवी की पूजा जहां हम समृद्धि के लिए करते हैं, वहीं भगवान गणेश की पूजा सभी विघ्नों को हरने के लिए करते हैं। बाजार में भगवान गणेश की विभिन्न मुद्राओं वाली प्रतिमा मिलती हैं। इनमें बैठी हुई, लेटी हुई और खड़ी मुद्रा में अधिकतर प्रतिमाएं मिलती हैं। ऐसे में आपको यह जान लेना चाहिए कि आपके लिए कौन सी मुद्रा वाली मूर्ति लेनी चाहिए और घर में किस ओर स्थापित करनी चाहिए। बता दें कि गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लानी चाहिए जो आसन पर विराजमान हो। इसके अलावा लेटे हुए मुद्रा में हो तो ऐसी प्रतिमा को घर में लाना शुभ होता है। वहीं सिंदूरी रंग वाले गणेश को समृद्धि दायक माना गया है, इसलिए इनकी पूजा गृहस्थों एवं व्यवसायियों के लिए शुभ माना गया है। घर में आनंद, उत्साह और उन्नति के लिए नृत्य मुद्रा वाली गणेश जी की प्रतिमा लानी चाहिए। इस प्रतिमा की पूजा से छात्रों और कला जगत से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलता है। इससे घर में धन और आनंद की भी वृद्धि होती है। घर के ब्रह्म स्थान या पूर्व दिशा या फिर ईशान कोण पर गणेश जी को विराजमान करना शुभ एवं मंगलकारी होता है। इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड उत्तर दिशा की ओर हो। गणेश जी को कभी भी दक्षिण या नेतृत्व कोण में नहीं रखना चाहिए। घर में जहां भी गणेश जी को विराजमान कर रहे हो, वहां कोई और गणेश की प्रतिमा नहीं हो। अगर आमने सामने गणेश जी की प्रतिमा होगी तो आपके लिए अशुभ फल देगी। गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में स्थापित करना चाहिए। गणेश जी की पूजा भी बैठ कर ही करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में ही स्थापित करना चाहिए। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बैठ कर ही होती है। खड़ी मूर्ति की पूजा भी खड़े होकर ही करनी पड़ती है, जो शास्त्र सम्मत नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।